नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की गुत्थी उलझती जा रही है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना स्थित राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया और उनके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को FIR दर्ज करवाई। जिस दिन से पटना में केस दर्ज हुआ उसी दिन से सुशांत सिंह के केस में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने पुलिस को ईमेल किया है कि सुशांत का परिवार उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहा है। पिठानी के आरोप पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ बड़ी बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सुशांत का परिवार उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बना रहा है। दबाव इस बात का बनाया जा रहा है कि वो पुलिस को रिया के खिलाफ बयान दें। सिद्धार्थ ने इस बारे में मुंबई पुलिस को ईमेल भी किया है। ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा, हमारे लिए जो चौंकाने वाली बात है क्योंकि मुंबई पुलिस को भेजा गया ईमेल रिया चक्रवर्ती तक कैसे पहुंच गया। जब पिठानी का ईमेल पब्लिक डोमेन में आया तब तक रिया पर पटना में केस दर्ज हो चुका था। मुंबई पुलिस रिया को ये ईमेल नहीं भेजेगी, तो संभावना यह है कि पिठानी ने ही रिया को ये ईमेल भेज दिया है। ये ईमेल सिर्फ कोर्ट में फाइल करने के लिए था। यदि ऐसा हुआ है तो उस पर भरोसा करना कठिन है। विकास सिंह ने आगे बताया कि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ रह रहा था। जब दरवाजा लॉक हुआ था तो उसने दरवाजा नहीं खोला। जब तक सुशांत की बहन नहीं आ गई उसने सुशांत की बहन का 1.5 घंटे तक इंतजार किया। विकास ने बताया कि 25 जुलाई तक पिठानी सुशांत के परिवार से लगातार बात कर उनकी हेल्प कर रहा था कि सुशांत के केस में जो कुछ हुआ है उसमें रिया की कैसी भूमिका है। अचानक से उसने ऐसा यू टर्न क्यों लिया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उम्मीद है कि पुलिस जल्द पता लगा लेगी कि पिठानी का इस केस में क्या रोल है या फिर कोई ऐसी बात है जिसे वो छिपा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।